हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में गिरी, उसके बाद क्या आगे की रणनीति रहेगी, अब महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? पटोले साहब, महाविकास अघाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको सबको पता है कि एक विपरीत परिस्थिति में ये सरकार बनी थी। बीजेपी जिस तरह से देश में तोड़ने का काम कर रही है, अपने साथी जो पार्टियाँ होती हैं उनकी कई सालों से उनसे बेईमानी कर उन्हें महाराष्ट्र में एक अंधेरे में सरकार बनाई थी, वो सरकार 74 घंटे में गिर गई। और उसके बाद शरद पवार जी, उद्धव जी, हमारे नेता सोनिया जी से मिले और सोनिया जी ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देकर एक सरकार महाराष्ट्र में बनाई, और वो सरकार उन्हीं के वजह से गिरी, हमारे वजह से तो गिरी नहीं, ये तो एकदम स्पष्ट है। लेकिन मूल इशू ऐसा है कि अभी हम तीनों दल बैठकर ये आघाड़ी को कैसे आगे लेके जाने का इसका एक प्लान हम बनाएंगे, अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो क्या कोई मीटिंग जल्द होने वाली है आप तीनों पार्टियों की? बिल्कुल, उसमें मीटिंग करेंगे और मीटिंग के साथ आगे जाएंगे। क्या अगला विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें महाविकास अघाड़ी इंटैक्ट दिखेगी जिस तरह से? देखो, अभी विधानसभा के इलेक्शन को 2024 है और उस तक तो समय है, और उसमें आज से उस बात को हाईकमांड इसमें डिसीजन लेंगे। तो अभी ये मीटिंग की कोई डेट तय हुई है कब कहाँ बैठेंगे? और अभी विधानसभा का सेशन जब चालू होगा महाराष्ट्र का, तब हम लोग तीनों दल एक साथ बैठकर डिसीजन लेंगे। और नाना पटोले साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की भी अगर हम बात करें, एमएलसी में क्रॉस वोटिंग हुई एमएलसी के चुनाव में, उसके अलावा जब विश्वास मत हुआ उसमें भी आपके काफ़ी सारे एमएलएज जो हैं नदारद हैं, तो लग रहा है कि कांग्रेस के खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं, ऑल इज़ नॉट वेल? नहीं, बात सही है, लेकिन इस पर हाईकमांड ने इसमें ऑलरेडी इस बात को दखल ली है और हाईकमांड इस पर बहुत जल्दी सुधार लाएंगे। क्या एक्शन होगा उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की? बिल्कुल, हाईकमांड इसमें ऑलरेडी डिसीजन लेंगे, इसमें दखल ली गई है हाईकमांड की तरफ से और मुझे लगता है कि उसमें एक्शन होगी। और जो लोग नदारद थे विश्वास मत के दौरान, उसमें आपके काफ़ी वरिष्ठ नेता भी थे, हालांकि उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया, लेकिन क्या पार्टी संतुष्ट है? नहीं, उस पर एक वरिष्ठ नेता को बेचकर इस सब बात को और उनका इंटेंशन क्या है ये प्रॉपर समझकर उस पर निर्णय हाईकमांड ले। जिस तरीके से पटोले साहब, अमरावती में जो मर्डर हुआ, उदयपुर जैसी घटना वहाँ हुई, कहा गया कि महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट वहाँ पर थी, उसने अच्छे से हैंडल नहीं किया, काफ़ी सारे तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई। देखो, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार और उनके सभी साथी देश को रोज बेचने का काम कर रही है। रोज देश में महंगाई, अग्निपथ जैसी योजना लाकर एक तो युवाओं को पहले तो पकोड़े बनाने को बताए थे, अब 4 साल की नौकरी करो, बाद में बीजेपी के कार्यालय के सामने उनको चौकीदार बनाने का, इस तरह से देश की युवा शक्ति को बर्बाद करने की व्यवस्था जो बीजेपी बना रही है, देश की सुरक्षा से छेड़खानी कर रही है। और ऐसे समय में महंगाई, बेरोजगारी, किसान के इशू, ये सब इशू को डाइवर्ट करने के लिए निपुल शर्मा जैसी उनकी प्रवक्ता के माध्यम से मुस्लिमों के प्रॉफिट के बारे में गलत बोलकर एक वातावरण खराब करने का और अपनी वातावरण खराब कर लोग इस तरह का जो मूल इशू को डाइवर्ट करने की जो प्लानिंग जो बीजेपी बार बार करती है, ये अब लोगों के समझ में आ गया है। और मुझे लगता है कि अमरावती में हो या राजस्थान में हो, जो भी घटना हुई है वो घटनाओं को मुख्य जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी जो लोग मिले हैं ये घटना में, तो बीजेपी के कार्यकर्ता मिले हैं, मुस्लिम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो सामने आए हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी देश में तोड़ने का राजकारण कर देश की मूल इशू को डाइवर्ट करने की जो व्यवस्था बना रही है, ये देश की जनता समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि देश को बांटने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। कैंपसन राजेंद्र के साथ लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।